हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। चलिए हम शुरू करते हैं। टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में हमें तीन टेस्ट देखना है। फर्स्ट टेस्ट है ए ए टेस्ट, सेकंड टेस्ट एस एस टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट एस 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 टेस्ट। तो चलिए फर्स्ट टेस्ट देखते हैं, ए ए टेस्ट। When two angles of one triangle are congruent to corresponding angles of another triangle, then the two triangles are similar. जब किसी दो triangles के दो corresponding angles congruent होते हैं तो वो दो triangles similar triangles होते हैं। For example, इन दो triangles में angle A congruent है corresponding angle P से, angle B congruent है corresponding angle Q से एंड एंगल सी कांग्रुएंट है करस्पॉन्डिंग एंगल आर से। जब दो ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कांग्रुएंट होते हैं तो उन दो ट्रायंगल का थर्ड एंगल भी कांग्रुएंट होता है। तो यहाँ दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स कांग्रुएंट है, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एए टेस्ट। सेकंड टेस्ट है एसएएस टेस्ट, यानी कि साइड एंगल साइड टेस्ट। इफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन एंड द एंगल्स बिटवीन देम आर कांग्रुएंट देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब किसी दो ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन होते हैं एंड एक एंगल कांग्रुएंट होता है तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। यदि यहाँ साइड ए बी अपॉन साइड पी क्यू के रेशियो इक्वल होते हैं साइड बी सी अपॉन क्यू आर के रेशियो से, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि ये दोनों रेशियो इक्वल है कि नहीं। तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू है 1/3, बी सी अपॉन क्यू आर है 2/6, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो 1/3 ये इक्वल है एंड एंगल बी कांग्रुएंट है करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू से, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस एस टेस्ट। थर्ड टेस्ट है एस 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 टेस्ट। व्हेन थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन टू करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब किसी दो ट्रायंगल्स के थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो वो दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, रेशियो ऑफ साइड एबी अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड पीक्यू इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइड बीसी अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड क्यूआर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एसी अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड पीआर। यदि इन करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते तो ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो इन रेशियोज के वैल्यूज पुट करके देखते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/2, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 3/6, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 एंड ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2/4, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो यहाँ आप देख सकते हैं तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो 1:2 ये इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एसएसएस टेस्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। नंबर वन, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, इसे रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। नंबर टू, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीएफ देन ट्रायंगल डीएफ सिमिलर ट्रायंगल एबीसी, इसे सिमेट्री कहते हैं। एंड नंबर थ्री है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल जी एच आई देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल जी एच आई, इसे ट्रांजिटिविटी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इन टेस्ट के बेस पर सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करना है, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।